नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। इन दिनों करण जौहर की मल्टी स्टारर कलंक की ही बातें हो रही हैं। मार्केट पूरी सजी हुई है क्योंकि ये रिलीज होने वाली है। उससे पहले इसको चर्चा में बनाए रखने के लिए बड़े सारे जतन किए जा रहे हैं। भाई इंटरव्यूज दे रहे हैं स्टार्स और वो बातें बता रहे हैं मेकिंग की, ऐसी बातें जो जनता को लगे वाह ये तो बड़ी सही बात है। ऐसी एक बात वरुण धवन ने अपने एक इंटरव्यू में बताई कि जो कलंक का टाइटल ट्रैक है, कलंक नहीं इश्क है, उसको गाने के लिए अरिजीत सिंह ने 1200 टेक्स लिए और फिर ये गाना बना है। उन्होंने ये भी बताया कि इस रीमिक्स वाले दौर में जो प्रीतम म्यूजिक डायरेक्टर हैं कलंक के, उन्होंने एक ओरिजिनल धुन बनाई और उसके ऊपर ये गाना बेस्ड है। इसको हर बार जब भी अरिजीत सिंह गाते थे तो उनको कुछ ना कुछ खटक जाता था, तो वो कहते थे नहीं नहीं मैं दोबारा से टेक लूँगा। तो ऐसे करते करते 1200 टेक्स हुए और ये गाना बना है। इस गाने को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने। अगर आपने ये गाना नहीं सुना है तो गूगल करके सुन लीजिएगा, बता दीजिएगा आपको कैसा लगा। अब अगली बात जो चल रही है वो है आलिया भट्ट के रोल के बारे में। आलिया भट्ट कलंक फिल्म में रूप नाम का किरदार कर रही हैं, तो अपने इस रूप नाम के किरदार को उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया है उसके बारे में आलिया ने एक इंटरव्यू में बताया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने इस किरदार के लिए उमराव जान और मुगले आज़म बहुत देखी है, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश बात में बात करती हूँ, तो हिंदी इंग्लिश में बात करते हुए क्या होता है कि आपका जो हिंदी का लहजा है वो इतना दुरुस्त नहीं होता है। तो जो फिल्म के डायरेक्टर हैं अभिषेक वर्मन, उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या है ना कि ये फिल्में देखनी चाहिए, मुगले आज़म और उमराव जान, ताकि तुम्हें पता चले कि किस तरीके से नज़ाकत आती है, किस तरीके से हिंदी बोली जाती है। और एक पाकिस्तानी सीरियल है ज़िंदगी गुलजार है, लोगों ने बहुत देखा है ये सीरियल, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड कर रही हूं आपको जरूर देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत सीरियल है, पाकिस्तानी सीरियल, इसमें सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है और इसमें जो मेन लीड हीरोइन है उनका नाम है सनम सईद, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, पाकिस्तानी एक्ट्रेस है वो। आलिया ने यह भी बताया अपने कैरेक्टर के बारे में कि जैसे सनम ने कश्यप का रोल निभाया था जिंदगी गुलजार में, तो उसमें उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसलिए वो खुश नहीं रह पाती हैं। तो ये जो किरदार है रूप जो आलिया भट्ट निभा रही है कलंक में, वो भी कुछ वैसा ही है कि उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सेंसिटिव होते हुए भी स्ट्रांग है और अपनी सिचुएशन से वैसे ही डील करती है जैसे कश्यप करती है ज़िंदगी गुलजार में। तो उन्होंने कहा कि ये उस तरीके का रोल है। तो जैसे ही कश्यप यानी सनम सईद को पता चला तो उन्होंने ट्विटर पर ये बोला कि अगर ये बातें सच्ची हैं और आलिया ने सच में ऐसा कहा है कि उनका कैरेक्टर मेरे कैरेक्टर से मिलता जुलता है, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है एंड ऑल द बेस्ट फॉर हर कैरेक्टर। वो बहुत ही खुशी से इस बात का इंतज़ार कर रही हैं कि वो अपने जैसा रोल कलंक में उनका देखने वाली हैं। तो इस तरीके की बातें और भी हो रही हैं जैसे जैसे आगे आगे होती रहेंगी, क्योंकि अभी तो फिल्म को रिलीज़ होने में टाइम है, अभी तो वो और इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, उनमें बातें निकल कर आएंगी, मेकिंग की जो भी आएगी आपको पता चल जाएगी। क्योंकि आप लल्लन टॉप पर हैं, बने रहिए, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करिए, यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और अगर एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो हमारी ऐप को डाउनलोड करिए। शुक्रिया।